हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो क्लास होगी उसको हम पढ़ेंगे सिस्मिक वेव या भूकंपीय तरंग के बारे में। इससे पहले देखते हैं कि हमने यहां तक पहुंचने के लिए कहां से शुरू किया था या किस तरह से पढ़ना स्टार्ट किया था या प्रीवियस दो या तीन क्लासें कैसे जुड़ी हुई हैं इस क्लास से। तो सबसे पहले हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी संरचना जो भी है, पर्वत, पठार, मैदान, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी पृथ्वी के बाहरी सतह पर जो भी भूदृश्य दिखते हैं, जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखा या ये समझना शुरू किया कि पृथ्वी के बाहरी सतह को समझने के लिए ये जरूरी है कि पृथ्वी के आंतरिक परत को समझा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आंतरिक परतों के द्वारा ही बाहरी सतह का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझने के लिए, उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी रासायनिक संगठन क्या है, उसको समझने के लिए हमने डेंसिटी बेस्ड स्टडी किया, टेम्परेचर बेस्ड स्टडी किया या उसके बाद प्रेशर बेस्ड स्टडी किया। इन स्टडी करने के बावजूद भी हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में एक सटीक या सुस्पष्ट जानकारी नहीं मिलने के कारण हमने भूकंपीय तरंग को आधार बनाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। प्रीवियस दो क्लास में हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूकंपीय तरंग पे जो भी क्लास की है वो क्लास इससे रिलेटेड है। भूकंपीय तरंग के बारे में हमने पी तरंग, यानी कि प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव और तीसरा जो है सरफेस वेव यानी सतही तरंग के बारे में पढ़ा। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं दो तरंगों में से कैसे भूकंपीय तरंग को बांटा गया है हम देखते हैं। भूकंपीय तरंग को हम दो स्तर पर बांट सकते हैं। सबसे पहला ये है कि एक जो है भूगर्भिक तरंग है, भूगर्भिक तरंग, और दूसरा जो है सतही तरंग है। यानी कि सिस्मिक वेव भूकंपीय तरंग जो है इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है या समझा जा सकता है। पहला जो है भूकंपीय भूगर्भिक तरंग है जिसको हम बॉडी वेव भी बोलते हैं, और दूसरा जो है सतही तरंग है जिसको हम लोग सरफेस वेव भी बोलते हैं। ये दोनों वेव जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए कैसे जरूरी है इसको देखते हैं। जैसे कि बॉडी वेव है, बॉडी वेव नाम से ही पता चलता है कि जो भी तरंगे होगी, भूकंपीय तरंग होगी, वो पृथ्वी के गर्भ में यानी कि भूगर्भ में या उसके आंतरिक परतों में ही चलेगी। इसके आंतरिक परत में चलने के कारण ही जो भी भूकंपीय तरंग की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी क्वालिटी है, उसके कारण हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ पाएंगे। दूसरा जो है सरफेस वेव है। आज के क्लास के लिए ये जो सरफेस वेव है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तरंग जो है पृथ्वी के सतह पर चलने वाला है। पृथ्वी के सतह पर चलने के कारण ये पृथ्वी के सतह से ही संबंधित जानकारी देगा। लेकिन जहाँ तक बात है भूगर्भिक तरंग यानी बॉडी वेव, इसके नाम से ही पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में चलता है, और उसके आधार पर हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे डिफाइन करता है या कैसे परिभाषित करता है। भूगर्भिक तरंग के अंतर्गत जो हमने कल पढ़ा था पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, और दूसरा जो था एस वेव, इन दो तरंगों के बारे में हमने पढ़ा था। दो तरंगों में सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो पी वेव है ये लंगिट्यूडिनल वेव है, लंगिट्यूडिनल वेव है, और ये जो है ट्रांसवर्स वेव है। दूसरा जो है इसका स्पीड जो है एस वेव की तुलना में ज्यादा है, जबकि एस वेव का स्पीड जो है पी की तुलना में कम है। इसका इंटेंसिटी यानी तीव्रता, यानी पी तरंग की इंटेंसिटी कम है किसकी तुलना में, एस वेव की तुलना में, और एस वेव की इंटेंसिटी 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 सॉरी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। यहां पे एस तरंग भी है, लेकिन अभी जो हम ये चीज देख रहे हैं एस वेव और पी वेव को तुलना करके हम पढ़ रहे हैं। पी वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी इसका मतलब है कि पी वेव की जो तरंगे होती हैं उनकी गति की दिशा
उनके तरंग के कंपन करने की दिशा में होती है, और ट्रांसवर्स वेव जो है इसके गति की दिशा और इसके कंपन करने की दिशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में यह अंतर है। स्पीड के मामले में पी तरंग जो है एस तरंग की तुलना में ज्यादा है, और स्पीड की तुलना में जो एस तरंग है उसका कम है। उसी तरह इंटेंसिटी जो है पी वेव की कम है और एस वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी कि उसकी तीव्रता ज्यादा होने के कारण उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। एस वेव की तुलना में यदि पी वेव की डिस्ट्रक्शन देखा जाए या नुकसान देखा जाए तो एस तरंग जो है वो ज्यादा नुकसान करता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आज की क्लास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो एस वेव से रिलेटेड है और दूसरा जो है पी वेव से रिलेटेड है। पी वेव का एक महत्वपूर्ण क्वालिटी या जो भी गुण है यह है कि यह सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों मीडियम में मूवमेंट कर सकता है, जबकि एस वेव जो है ओनली सॉलिड मीडियम में मूवमेंट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? यदि पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में मूवमेंट कर रहा है, जबकि एस वेव जो है ओनली सॉलिड मीडियम में मूव कर रहा है यानी संचरण करता है। अगर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमको समझना है तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखते हैं कैसे। यदि पी वेव और एस वेव दोनों पृथ्वी के अंदर की परतों में अगर चल रही है तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस वेव जो है सॉलिड वेव में ही मूवमेंट करता है। यदि पी तरंगे और एस तरंगे साथ चल रही है या साथ साथ चल रही है, यदि किसी स्थान पर पी एस तरंग की विलुप्त हो जाए तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि एस तरंग जो है अगर विलुप्त होता है उसका यह मतलब है कि वो जो भी स्तर है, जो भी जगह है, भूगर्भ की जो भी जगह है, जो भी लेयर है, वो या तो लिक्विड है या तो गैस है। क्योंकि एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही मूवमेंट करता है। यदि पृथ्वी के अंदर की परतों में कहीं भी या तो लिक्विड है या तो गैस की स्थिति है, वहां पे जो है एस तरंग डिसअपियर हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इससे हमको पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है कि कौन सा लेयर या कौन सा परत लिक्विड में है या गैस में है या सॉलिड में है। ये दोनों चीजों के साथ यानी कि सॉलिड और मीडियम। एक चीज और इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में समझने की, पदार्थ का घनत्व जो होता है, भूकंपीय तरंग की गति के समानुपाती होता है। आप लोग तो बेहतर समझते होंगे समानुपाती का क्या मतलब है। यहां पे इसका मतलब ये है कि यदि हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं या पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाते हैं, यदि घनत्व में वृद्धि हो रहा है तो यदि घनत्व में वृद्धि होगा तो गति में भी वृद्धि होगा। अगर पी वेव और एस वेव पृथ्वी के अंदर की परतों में चल रही हैं और उनके स्पीड में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका सीधा मतलब हुआ कि पदार्थ का घनत्व में वृद्धि हो रहा है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। इस चीज को समझना यहां से आसान हो जाएगा। अब दोनों चीज को हम एक साथ देख सकते हैं। ये दोनों चीज यानी पदार्थ का घनत्व जो है गति के, भूकंपीय तरंग के गति के सीधा समानुपाती होता है, और पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मूवमेंट करता है, और एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड मूवमेंट होते हैं। अब दोनों को हम एक साथ देखते हैं। यदि भूकंपीय तरंग पृथ्वी के आंतरिक परतों में चल रही है, एक तो चीज यह प्रमाणित हो गया है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर यानी कि नीचे की तरफ जाने पर लगातार घनत्व में वृद्धि होता है। अब घनत्व में वृद्धि होने के कारण उसके गति में भी यानी भूकंपीय तरंग के गति में भी वृद्धि होती है, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं है या हमेशा
सदैव ही ये बात नहीं कहा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर हमेशा ही यानी कि लगातार घनत्व में वृद्धि होता है या स्पीड में कमी होता है। बहुत सारा लेयर ऐसा है जो कि ना ही तो ठोस मीडियम में है और ना ही लिक्विड मीडियम में है, उसको हम बोलेंगे कि फोर्थ फेज में है या किसी अन्य फेज में है, या बहुत सारा लेयर ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है। अब देखते हैं कि यदि पी तरंग या एस तरंग दोनों एक साथ मूवमेंट कर रहा है और दोनों की गति में कमी आ रही है अंदर की तरफ जाने में, इसका मतलब या तो यह हुआ कि वो जो परत है उसका घनत्व में कमी आ रहा है, या जो वो परत है वो या तो तरल अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। यदि एस तरंग विलुप्त हो जाता है इसका सीधा मतलब है कि वो जो लेयर है वो जो परत है वो कम से कम ठोस तो नहीं है, सॉलिड नहीं है, या तो लिक्विड है या तो गैस है। तो अब हम इस फिगर के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पी वेव और एस वेव पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सहायक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पदार्थ का घनत्व और भूकंपीय तरंग एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और एक दूसरा कंसेप्ट यह था कि पी वेव हमेशा सॉलिड लिक्विड और मीडियम गैस में मूवमेंट कर सकता है, जबकि एस वेव जो है केवल सॉलिड मीडियम में ही मूवमेंट करता है। इन दोनों कंसेप्ट के आधार पर हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर क्या क्या बदलाव होता है या क्या क्या विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। इसके आधार पर ये जो भाग है ये पीटी और मेंस दोनों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आधार पर जिस आधार पर पृथ्वी के परतों को बांटा गया है उसके नाम पूछ लिए जाते हैं, जिन परतों यानी कि जो भी लेयर है उनके नाम क्रमशः ऊपर से या नीचे की तरफ पूछ लिया जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ पूछ लिया जाएगा, या फिर कंसेप्ट के तौर पर कि कैसे पृथ्वी का जो है कैसे बांटा गया है, क्या सिद्धांत है या क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस आधार पर परतों को बांटा जाता है। इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि किस आधार पर इसको बांटा गया। उससे पहले हम दो और फिगर देखते हैं जिसमें पृथ्वी का ही, इसको जो है सामान्यतः रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी के परतों को तीन परतों में बांटा जाता है। सामान्यतः हम सब कोई जानते हैं कि पहला परत जो है वो क्रस्ट कहलाता है, दूसरा जो है मेंटल, और तीसरा कोर कहलाता है। ये चीजें हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो है क्रस्ट कहलाता है, बीच वाला मेंटल कहलाता है, और नीचे वाला जो पार्ट है जो वो कोर कहलाता है। सामान्यतः जो क्रस्ट है ऊपरी वाला भाग है उसका घनत्व इन दोनों परतों की अपेक्षा कम है, मेंटल का जो घनत्व है डेंसिटी है वो कोर की अपेक्षा कम है और क्रस्ट की अपेक्षा ज़्यादा है, जबकि कोर का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, दोनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। इसका सीधा से मतलब ये हुआ कि ऊपरी परतों की तुलना में निचली परत जो है भारी पदार्थों से बनी हुई है, यानी इसी रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक बनावट के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, क्रस्ट मेंटल और कोर। जबकि हमको पता है कि क्रस्ट जो है हल्के पदार्थों से मिलकर बना है, यानी कि ये जो है सिलिका और अल्यूमिनियम दो पदार्थों से मिलकर सामान्यतः बना हुआ है, इसलिए हम इसको Cl बोलते हैं। Si का मतलब सिलिका और Al का मतलब एल्यूमिनियम, यानी क्रस्ट वाला जो भाग है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, जबकि मेंटल वाला भाग रासायनिक संरचना के आधार पर सिलिका और मैग्नीशियम यानी कि सीमा, Si का मतलब सिलिका और Ma का मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम से है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। जबकि अंदर वाला पार्ट जिसको हम कोर बोलते हैं ये जो है सबसे भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, निकेल और फेरस यानी कि निफ। तो ये वाला जो पार्ट है इसको डेंसिटी के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा गया है, जिसमें हमको सबको पता है कि सिलिका जो है इसमें सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ है, और सिलिका एल्यूमिनियम से जो सबसे ऊपरी परत बना है उसका घनत्व कम है, जबकि दूसरा लेयर भी सिलिका से ही मिलकर बना है लेकिन उसके साथ एक अलग तत्व है, एक अलग एलिमेंट है जिसको हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं,
वो एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा भारी है, इसलिए इसका डेंसिटी सीएल की तुलना में यानी क्रस्ट की तुलना में ज्यादा है, और कोर जो है काफी ज्यादा भारी पदार्थों से या काफी ज्यादा घनत्व रखने वाले पदार्थों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे निचला पार्ट है, सामान्यतः इस आधार पर इसको बांटा जाता है। इसके अलावा एक और स्तर है, एक और बनावट है जिसको पृथ्वी के बांट कर पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, उसी आधार पर, इन दोनों के आधार पर हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे तय हुआ है। एक फिगर और देखते हैं, सामान्यतः जो हम लोग देखते हैं, पहला लेयर ये है लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, दूसरा लेयर इसका जो है एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल मंडल। हम इसका क्वालिटी देखते हैं कि आखिर स्थल मंडल है क्या, दुर्बल मंडल है क्या। उसके बाद का जो लेयर है ये है मध्य मंडल, जो सामान्यतः मेंटल वाला भाग है, और इसका जो है ये है केंद्र मंडल। इसका स्पेलिंग मीनिंग हम बोलते हैं मेसोस्फेयर, और केंद्र मंडल को सेंट्रोस्फेयर। यह नाम याद रखना जरूरी है, नाम याद होना भी चाहिए। अगर एग्जाम में ऊपर से नीचे की तरफ क्रम देकर पूछ दे कि किस आधार पर इसको बांटा गया है, या ऊपर से नीचे की तरफ जाने में कौन सा लेयर पहले आता है, कौन सा लेयर बाद में आता है, तो इसको याद होना चाहिए। सबसे ऊपरी परत जो है वो है लिथोस्फेयर, शायद आपको दिख नहीं रहा हो लेकिन मैं बोल देता हूँ लिथोस्फेयर, उसका मतलब है हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं। उसके बाद का जो लेयर है वो स्थेनोस्फेयर है, दुर्बल मंडल है। उसके नीचे का जो लेयर है वो है मध्यम मंडल, मेसोस्फेयर, और सबसे जो निचला लेयर है उसको बोलते हैं केंद्र मंडल यानी कि सेंट्रोस्फेयर। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है? सामान्यतः अगर हम बोलें कि स्थल मंडल किस चीज से बना होता है, तो पृथ्वी पे सतह पर पाया जाने वाला प्लेट जो सामान्यतः मूवमेंट करता है, या साधारण शब्दों में यूं कहें कि पृथ्वी की सतह का एक वृहद खंड है, उसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल बना होता है क्रस्ट, यानी ये जो भाग है क्रस्ट, और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर स्थल मंडल बना होता है। यहां पे समझने वाली बात है क्योंकि ये चीज यहां पे अप्लाई होगा। स्थल मंडल वाला जो कंसेप्ट है, लिथोस्फीयर वाला जो कंसेप्ट है, इस वाले फिगर में अप्लाई होगा कि कैसे उसको लेयर में बटाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस भाग का यही रहेगा। स्थल मंडल जो है बना होता है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से, यानी कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, इसके ऊपरी परत से मिलकर बना होता है, स्थल मंडल कहलाता है। जो तैरता है किस पे, दुर्बल मंडल पे, एस्थेनोस्फेयर पे, यानी कि इसका वाला जो दूसरा लेयर है। दरअसल ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये ठोस अवस्था में नहीं है और ना ही एकदम से द्रव्य अवस्था में है, इसको एक बोला जा सकता है कि पिघला हुआ प्लास्टिक, प्लाज्मा टाइप का कुछ चीज है, उस स्तर पर है, या इसको सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि लावा वाला लेयर है, जहां से लावा ही लावा है, मैग्मा है, तो मैग्मा वाला भाग है ये। पृथ्वी पर जितनी भी लगभग ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है सामान्यतः इसी लेयर से निकल कर आती है, दुर्बल मंडल से, और इसी पे जो स्थल मंडल है वह मूवमेंट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो स्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल, सामान्यतः हमको अभी इतना ही समझना है कि सबसे ऊपरी भाग जो है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर बना होता है। स्थेनोस्फीयर जो है दुर्बल मंडल है, ये लिक्विड टाइप का कुछ है, यानी कि लावा, इसको सामान्यतः हम लावा या मैग्मा बोल सकते हैं, उसका परत है। मध्य मंडल सामान्यतः मेंटल वाला भाग है,
और कोर और सेंट्रोस्फीयर एक ही चीज है। इस आधार पे जहां हम क्रस्ट को समझ पाए और स्थल मंडल को समझ पाए, मेंटल को समझ पाए, अब देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर कैसे पृथ्वी का आंतरिक भागों का घनत्व में वृद्धि होता है। तो एक मिनट में हम इसको देखते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। क्योंकि यदि कोई भी लेयर पाया जाता है, दो लेयर, तो एकदम से ऐसा नहीं होता है कि लेयर का क्वालिटी 10 किलोमीटर से ऊपर का एकदम से चेंज हो गया या 10 किलोमीटर नीचे वाला एकदम से चेंज हो गया। जहां भी ये लेयर बदल रहा होगा वहां पे ऊपरी लेयर और निचली लेयर दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो ये वाला जो जगह है, अगर ये क्रस्ट है, ठीक है, अगर ये क्रस्ट है और इसको बांट रहा है, मेंटल से अलग कर रहा है क्रस्ट को, कोई ना कोई लेयर होगा। तो ये जो लेयर है यहां पे दोनों परतों से संबंधित विशेषताएं देखने को मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं असंतत्य परत, या नॉर्मल हम लोग नाम दे देते हैं जो लेयर इसको अलग करता है। तो देखते हैं ये वाला जो लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनोरॉड। क्या? कोनोरॉड याद कर लेते हैं, हमको समझने में आसान होगा। कोनोरॉड ये बात याद करने वाला चीज है, कोनोरॉड। दूसरा जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं मोह। तीसरा जो लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग रिपीति। हम बताते हैं कि कैसे लेयर तय हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग, और ये जो है इसका नाम पड़ता है लेमन, या इसको एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे इन परतों को समझने के लिए तो एक एग्जांपल के तौर पर ये है, पहला कि क्रस्ट एंड मेंटल को अलग करने वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में इसको असंतत्य बोलते हैं, यानी कोनोरॉड असंतत्य भी बोल सकते हैं। दूसरा जो लेयर है उसको, यानी कि वो लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल और मेंटल को अलग करने वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। मोह डिसकंटिन्यूटी यानी मोह असंतत्य। तीसरा जो लेयर है दोनों परतों को अलग करने वाला उसको बोलते हैं रिपीति, सॉरी तीसरा जो लेयर है वो अपर मेंटल को, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को सेपरेट करता है, और यह कहलाता है रिपीति डिस कंटिन्यूटी। ठीक है, चौथा जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग गुटेनबर्ग, और ये अलग करता है मेंटल एंड कोर, ये क्या कहलाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और पांचवा और लास्ट जो है आसान है, ये आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है, और ये कहलाता है लेमन डिसकंटिन्यूटी। मैंने पहले ही भी यहाँ से एरो किया था, इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा जो लेयर है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये वाला पार्ट जो है, ये जो है आउटर कोर है, आउटर कोर। ये वाला पार्ट जो है इनर कोर है, ये मेंटल ही है, ये भी मेंटल ही है,
ये वाला जो लेयर है यहां से यहां तक, ये लिथोस्फेयर है। ये क्या है? ये लिथोस्फेयर है, यानी कि स्थल मंडल है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत, और ये तो क्रस्ट है ही, ठीक है। ये चीजें थी इसमें समझाने वाली और याद करने वाली। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं, खास करके पीसीएस वगैरह या यूपीएससी वगैरह में या किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्रमशः क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन नामों के जो नाम है, कोनरो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, रिपीति, गुटेनबर्ग और लेमन, तो ये ऐसे पूछ सकता है कि क्रस्ट के से नीचे जाने की तरफ या क्रस्ट से नीचे जाने पे निम्न में से कौन से परत ऊपर से नीचे की तरफ जाता है या कौन सा परत पहला है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि लेमन, गुटेनबर्ग, रिपीति या कोनराड, इनमें से कौन सा परत जो है सर्वाधिक नीचे पाया जाता है या सर्वाधिक ऊपर पाया जाता है, या कौन सा परत जो है दोनों के बीच में पाया जाता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन बता सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ में, बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर की तरफ में, घटते क्रम में, कंसेप्ट कुछ भी हो, अगर ये हमको क्रम पता है, ये क्रम हमको पता है, तो चाहे सवाल किसी भी तरह से पूछे मेरे लिए बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पी वेव और एस वेव, क्योंकि अब हमको नाम पता है, अब हमको पता है मेंटल को, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करने वाला जो लेयर है वो रिपीति कहलाता है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला जो लेयर है वो कोनोरेट कहलाता है, लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल को मेंटल से अलग करने वाला जो लेयर है वो मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहलाता है, लेमन और गुटेनबर्ग दो और डिस्कंटिन्यूटी है, यानी ये नाम जो है हमको पता हो गया, लेयर जो है हमको क्रस्ट, मेंटल, एस्थेनोस्फेयर, आउटर कोर, इनर कोर, इन सारे शब्दों से, वर्ड से हम लोग अब परिचित हो चुके हैं। अब हम जब ये पता करेंगे या जब देखेंगे कि एस वेव या पी वेव कहाँ से गुजर रहा है, तो आसानी होगी ये बताने में कि पी वेव जो है क्रस्ट से गुजर रहा है या मेंटल से गुजर रहा है या रिपीति से गुजर रहा है या लेमन से गुजर रहा है, लेमन डिस्कंटिन्यूटी से गुजरा है, उसके पहले भूकंपीय तरंग की क्या स्थिति थी, जैसे कि रिपीति से गुजरने के बाद अगर भूकंपीय तरंग रिपीति से गुजरती है और नीचे की तरफ जाती है तो उसमें क्या बदलाव आते हैं, तो इस तरीके से एक फिगर बनता है दिमाग में, क्योंकि हमको नाम याद हो गया है, एक फ्रेम बन गया है दिमाग में कि रिपीति क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, स्थेनोस्फीयर क्या है। अब हमको पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं पी वेव और एस वेव के हिसाब से कि ये कैसे या कैसे तय करती हैं या किस तरीके से ये मूवमेंट करती हैं या कौन कौन सी स्थितियाँ इनके लिए अनुकूल या प्रतिकूल है, ठीक है। तो देखते हैं उसको हम। तो अब हम देखते हैं कि पी तरंग और एस तरंग पृथ्वी के आंतरिक परतों में कैसे मूवमेंट करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंग जब क्रस्ट से नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि भूकंपीय तरंग में पी तरंग और एस तरंग दोनों तरंगें जब क्रस्ट से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं, तो क्रस्ट में नीचे की तरफ जाने पर दोनों के गति में वृद्धि होती है, यानी क्रस्ट में भी नीचे की तरफ जाएंगे तो क्रस्ट की डेंसिटी में वृद्धि होती है, जिसके कारण इसकी गति में वृद्धि होती है, यह तो ठीक है। इसके बाद जैसे ही क्रस्ट को पार करके मेंटल वाले भाग में तरंग प्रवेश करती है, तो मेंटल चूंकि हमने पहले ही देखा है कि सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, यानी कि क्रस्ट की तुलना में भारी पदार्थों से बना हुआ है, तो मेंटल में प्रवेश करने के कोनोरोट के बाद, कोनोरोट डिस्कंटिन्यूटी के बाद जब ये मेंटल में प्रवेश करती है, तो यहां भी तरंग की गति यानी कि पी तरंग और एस तरंग दोनों की गति में वृद्धि होती है। मेंटल में चूंकि हमने पहले ही देखा है कि ये दोनों जो भाग हैं
यानी ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत और क्रस्ट, इसको हम लोग लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल का नीचे वाला भाग जो कि दुर्बल मंडल है, ये जो लेयर हम पहले ही हमने अभी क्लास में पढ़ा था कि ये वाला जो लेयर है स्थल मंडल को दुर्बल मंडल से अलग करता है, यानी कि इसको जो कोनरोड के बाद जो लेयर आता है मोहो, यह स्थल मंडल को मेंटल से अलग करता है और यहीं पे दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल में हमने पहले ही देखा है कि यह इसका डेंसिटी जो है कम है क्योंकि यह तरल जैसी अवस्था में है, तरल जैसी अवस्था में होने के कारण इसके घनत्व में कमी आती है। तो जैसे ही दुर्बल मंडल में पी तरंग और एस तरंग दोनों प्रवेश करती है, दोनों की गति में कमी आ जाती है क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि भूकंपीय तरंगों का पदार्थ के घनत्व के साथ सीधा या भूकंपीय तरंगों का पदार्थ के घनत्व के साथ सीधा संबंध होता है, ठीक है। तो सीधा संबंध होने के कारण इस लेयर में यानी दुर्बल मंडल में उसकी गति में कमी आती है, लेकिन जैसे ही दुर्बल मंडल को पार करके तरंग जो है नीचे की तरफ यानी कि मिडिल मेंटल या नीचे वाले मेंटल में जैसे एंट्री करता है, तो पूरे मेंटल वाले भाग में लगातार कोर की तरफ जाने पर यानी नीचे जाने पर उसके गति में लगातार वृद्धि होती है, यानी मेंटल का नीचे वाला भाग में लगातार जाने पर घनत्व में वृद्धि के कारण उसके गति में वृद्धि होती है। एक बार देखते हैं ऊपर से फिर से, जैसे ही हम क्रस्ट से नीचे की तरफ जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती है, यानी क्रस्ट में भी नीचे की तरफ जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। जैसे ही हम लोग कोनरोड डिसकंटिन्यूटी को पार करके मेंटल की तरफ एंट्री करते हैं, मेंटल में भी घनत्व की वृद्धि के कारण गति में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे ही स्थल मंडल जो कि लिथोस्फेयर जो कि स्थेनोस्फेयर दुर्बल मंडल पर मूवमेंट करता है, तो ये स्थेनोस्फेयर का घनत्व जो है कम होने के कारण, तरल अवस्था में होने के कारण उसके घनत्व में कमी आने के कारण तरंग की गति में कमी आती है, लेकिन जैसे ही स्थेनोस्फेयर पार करते हैं तो पूरे मेंटल में मेंटल वाले भाग में घनत्व में वृद्धि के कारण उसके गति में भी वृद्धि होती है, यानी कि यहां से यहां तक आने पे इसके घनत्व में वृद्धि होती है क्रस्ट से लेकर मेंटल तक, ठीक है। मेंटल तक दोनों तरंगें साथ साथ चलती है, लेकिन सबसे खास और सबसे सरप्राइज वाला जो मूवमेंट है यहां देखने को मिलता है किस लेयर पे, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग, हमने पहले ही लिखवाया था, यानी कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग लेयर के नीचे हम लोग जैसे आउटर कोर में एंट्री करते हैं, यहां पे एस तरंग जो है विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, और पी तरंग की गति में कमी आती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि एस तरंग जो है केवल ठोस माध्यम में यानी सॉलिड मीडियम में ही मूवमेंट करता है, जबकि पी तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में या तीनों मीडियम में यह मूवमेंट कर सकता है। जैसे ही एस तरंग आउटर कोर में एंट्री करता है गायब हो जाता है, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आउटर कोर जो है वो तरल अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, और पी तरंग के गति में कमी आने के कारण इसका मतलब है कि घनत्व में वृद्धि होती है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देखें तो आउटर कोर वाला जो पार्ट है लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम आउटर कोर से इनर कोर में एंट्री करते हैं पी तरंग की गति में अचानक अत्यधिक वृद्धि होती है। एस तरंग तो एंट्री करेगा नहीं क्योंकि वो विलुप्त हो चुका है, पी तरंग जैसे ही एंट्री करते हैं इनर कोर में उसके गति में अचानक वृद्धि होती है और काफी ज्यादा वृद्धि होती है, और इनर कोर का डेंसिटी लगभग उस स्पीड के हिसाब से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी काफी भारी पदार्थों से इनर कोर बना हुआ है। तो हमने देखा कि पी तरंग और एस तरंग के एंट्री करने पर क्या होता है या पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर क्या होता है, तो एक चीज तो स्पष्ट है कि आउटर कोर जो है पूरे की पूरे लिक्विड फॉर्म में है,
स्थेनोस्फीयर जो है उसका डेंसिटी कम है, तरल जैसी अवस्था में है जिस पे स्थल मन में मूवमेंट करता है। ये इतना देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया कि सामान्यता, हम ये वर्ड नॉर्मल यूज करते हैं, सामान्यता नॉर्मली पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन यह हमेशा सदैव ही सत्य नहीं है, सदैव सच नहीं है, क्योंकि आउटर कोर में इस तरंग जो है विलुप्त हो जाता है, यानी कि तरल अवस्था में है। तो हम ये सामान्यता बोलेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में सामान्यता नीचे की तरफ जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन कुछ लेयर ऐसा है जो कि आंतरिक परतों में जाने के बावजूद भी वो तरल अवस्था में है। इसी आधार पर इसको स्टडी करने के बावजूद ही, जो मैंने इससे पहले थोड़ा देर पहले जो पढ़ाया था, स्थल मंडल, मध्यम मंडल, दुर्बल मंडल और केंद्र मंडल, इसी अध्ययन के आधार पर उसको भी बनाया गया है। इसी अध्ययन के आधार पर जो हमने तीन लेयर में पृथ्वी के भाग को बांटा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो उसके डेंसिटी के आधार पर भी, उसके डेंसिटी के आधार पर ही क्रस्ट, मेंटल और कोर को तीन परतों में बांटा गया है, और उसके डेंसिटी के आधार पर ही, उसकी रासायनिक संरचना और बनावट के आधार पर ही यह तय किया गया है कि ऊपरी परत जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, मध्य का परत यानी मेंटल का परत जो है सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है, जबकि आंतरिक परत काफी भारी पदार्थों जैसे निकल और फेरस से मिलकर बना हुआ है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी की आंतरिक परतें जो है ऊपरी परतों के लगने वाले दबाव के कारण उसके घनत्व में वृद्धि नहीं होता, बल्कि आंतरिक परतें जो है खुद भारी पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए उसके घनत्व में वृद्धि होता है। तो आज के लिए, आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो हम लोग का बेसिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, थोड़ा बहुत बेसिक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग अर्थ मूवमेंट पढ़ेंगे। अर्थ मूवमेंट में जैसे अर्थ मूवमेंट के कारण ही पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटियां आदि का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इन परतों का निर्माण हुआ है या कैसे इन बाहरी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।